सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने किसान संगठनों की कुछ मांगों को लंबित रख दिया था और उन मांगों को अब पूरा करवाने के लिए किसान दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारियां कर रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए तैयारी कर रही है। युद्ध स्तर पर बैरिकेडिंग की गई है, जिसे देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान भारत का बॉर्डर हो। बड़े बड़े कंटेनर में मिट्टी भरकर रास्ते रोकने की तैयारी की गई है। वहीं बड़े बड़े पत्थरों से नेशनल हाईवे 44 पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा RAF और CRPF के जवानों की तैनाती दिल्ली बॉर्डर पर कर दी गई है। किसानों को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हुई है और चंडीगढ़ में किसान संगठनों और सरकार के डेलीगेशन के साथ अहम बैठक में कुछ समाधान निकलने के कयास लगाए जा रहे हैं।